हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है प्रांजल आर्या और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो चुकी हूँ टेलीविजन की ताजा तरीन अपडेट लेकर। पहले सवाल था कि क्या बोंदिता बैरिस्टर बाबू बन पाएगी, लेकिन अब ये सवाल थोड़ा बदल गया है। अब ये सवाल हो चुका है कि क्या अनिरुद्ध बोंदिता एक हो पाएंगे। अब भाई इसके लिए तो आपको आने वाले एपिसोड का ही इंतजार करना होगा, क्योंकि इसी पॉइंट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेकर्स मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। तो इसका जवाब तो आपको शो के आने वाले एपिसोड में ही मिलेगा। लेकिन हाँ, शो में कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, क्या कुछ आप सभी को देखने को मिलेगा, इसका अंदाजा जरूर लग चुका है। दरअसल आपको बता दें कि शो में अब एक के बाद एक बड़े खुलासे होने वाले हैं। सबसे पहला खुलासा होगा अनिरुद्ध के झूठ का, दूसरा बड़ा खुलासा होगा बोंदिता की झूठी पहचान का, और तीसरा बड़ा खुलासा होगा बिनॉय के साथ हुए हादसे का। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि शो में वो तीन कौन से शॉकिंग ट्विस्ट आने वाले हैं जिससे कि कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। नंबर वन, अनिरुद्ध का झूठ होगा एक्सपोज। इन 8 सालों में सब कुछ बदल चुका है। अगर आप शो के डेली व्यूअर हैं तो आप ये जानते ही हैं कि अनिरुद्ध तो पूरी तरीके से बदल चुका है। ना वो बोंदिता की शक्ल देखना चाहता है, ना कि बोंदिता के पास जाना चाहता है, और कृष्णा नगर के जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग बोंदिता, उन सब से उसने अपना नाता तोड़ दिया है। लेकिन जो शो का हाल ही में प्रोमो सामने आया है, उससे ये तो पता चल चुका है कि एक्चुअल में अनिरुद्ध के मन में क्या चल रहा है, ये सामने नहीं आ पाया है। और इसीलिए तो बोंदिता वैजयंती बन के पहुंच चुकी है रॉय चौधरी हवेली में, और आप देखने वाले हैं कि अब यहाँ वैजयंती बन के बोंदिता उस कमरे में पहुंच जाएगी जहाँ पर अनिरुद्ध ने अपनी और बोंदिता की यादों को समेट रखा है। चारों तरफ अनिरुद्ध बोंदिता की तस्वीरें ही तस्वीरें होने वाली है, और इसे देखकर बोंदिता भी हैरान हो जाएगी। लेकिन अब बोंदिता को ये पता चल जाने वाला है कि अनिरुद्ध जो मन में छुपा के बैठा हुआ है, जो वो दिखा रहा है कि वो बोंदिता की शक्ल नहीं देखना चाहता है, कृष्णा नगर के सभी लोग उसके दुश्मन है, इंक्लूडिंग बोंदिता भी, वो बोंदिता को भी अपना दुश्मन बना रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अभी भी अनिरुद्ध के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसकी बोंदिता ही बसी हुई है। नंबर टू, बिनॉय के साथ हुए हादसे का खुलासा। लीप के बाद से शो में सारे किरदार नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो संपूर्णा हो, बोंदिता हो, त्रिलोचन काका हो, अनिरुद्ध हो, ठाकुमा हो, यहाँ तक कि बिहारी बाबू हो, लेकिन एक शख्स जो शो में नजर नहीं आ रहा है वो है बिनॉय। लेकिन लो जी, बिनॉय भी सामने आ चुका है, और बिनॉय की बीमारी भी सामने आ चुकी है। जी हाँ, बिनॉय की एंट्री के साथ ही शो में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है कि बिनॉय की मेंटल सिचुएशन, मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा हार्म हो गई है। और आपको बता दें कि सब कुछ उसी दौरान हुआ जब तुलसीपुर और कृष्णा नगर में दंगे हुए, दोनों के बीच ही दुश्मनी की लकीर खींची। और जैसे ही बोंदिता ने बिनॉय को देखा, उसकी हालत को देखा, तो बोंदिता भी हक्की पक्की रह गई। अब जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बोंदिता इतने आराम से बैठने वालों में से तो है नहीं। बिनॉय के साथ क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया, अब ये सभी सवालों का जवाब बोंदिता निकालने वाली है और ढूंढने वाली है कि आखिर ये दुश्मनी हुई कैसे, और इस दुश्मनी में बिनॉय कैसे कुर्बान हुआ, बिनॉय की जिंदगी इतनी बुरी तरीके से कैसे बर्बाद हो गई। एंड नंबर थ्री, पकड़ी जाएगी बोंदिता उर्फ वैजयंती। अनिरुद्ध के दिल का हाल जानने के लिए, अनिरुद्ध के दिल की बात जानने के लिए, उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, अब इसको जानने के लिए बोंदिता वैजयंती बन के रॉय चौधरी हवेली पहुंच चुकी है, जहां पर धीरे धीरे बोंदिता अनिरुद्ध के करीब जाने की कोशिश कर रही है। दोनों की लव रोमांस भी थोड़ा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर अब बोंदिता पकड़ी जा सकती है। जी हाँ, वैजयंती का यहाँ जो झूठा पहचान है वो बोंदिता के खुल के सामने आ सकती है। अब ऐसा क्यों, ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपने शो के बीते एपिसोड पे देखा होगा तो कैसे यहाँ पर जब वैजयंती यानी कि बोंदिता जल्दबाजी में तुलसीपुर से निकल रही होती है, तो उसका पर्स वहीं पर गिर जाता है, जो कि अनिरुद्ध के हाथ में लग जाता है। अब यहाँ पर अनिरुद्ध का दिमाग चलता है और उसे लगता है कि कहीं फिर से कृष्णा नगर वालों ने किसी लड़की को जासूस बना के तुलसीपुर में तो नहीं भेज दिया है। लेकिन यहीं पर अनिरुद्ध वो पर्स लौटाता है कृष्णा नगर वालों को, और ठाकुमा के हाथ जैसे ही ये पर्स लगता है, ठाकुमा और चंद्रचूड़ बोंदिता को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बोंदिता कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। हालांकि अभी फिलहाल ये नहीं पता चला है उन्हें कि बोंदिता ही वो लड़की है जो कि जा रही है तुलसीपुर, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि अब बोंदिता की जो वैजयंती वाली पहचान है, जो झूठ है, वो खुल के सभी के सामने आ जाए। अब एक और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद शो की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, क्योंकि जहाँ पर इतने बड़े बड़े खुलासे शो में होंगे तो कई रिश्ते टूटेंगे तो कई जुड़ेंगे भी, ये डेफिनेटली है। हालांकि जो कुछ भी होगा, लेकिन अनिदिता के फैंस के लिए सब कुछ पॉजिटिव होगा और एट द एंड हैप्पीली होगा। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिए, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो काफी ज्यादा धमाकेदार होगा।
अपने शो के मेकर्स पर और अपने फतेजों पर।